तो अवंतिका, जैसे हम देख रहे हैं कि एक बॉटम्स अप सॉन्ग है, तो उसको क्या कहना चाहिए? इट्स अ वेरी पार्टी नंबर, वेरी पेपी नंबर, एंड ऑफ कोर्स इसमें मीका सिंह है, उनका फीट है. ओके, इसमें मीका सिंह ने भी काम किया है. दिलबाग सिंह सिंगर हैं और मिलिंद गाबा एंड डीजे सुमित सेठी, एवरीबॉडी इज देयर, आई एम देयर. तो इट्स अ वेरी पार्टी नंबर. या जैसे बॉटम्स ऑन, नाम सुनने में ऐसा लगता है कि ग्रूवी पार्टी नंबर होगा. हाँ, जो नाम है बिल्कुल वैसे ही ये वीडियो भी है और वैसे ही गाना भी है ये. स्पेसिफिकली ये यंगस्टर्स को लेके जनरेट किया है या? ऑफ कोर्स यंगस्टर्स, द पीपल हु People who want to have a good time and party and yeah, enjoy themselves. Yeah. How much experience has Ramika ji ke saath kaam karke? He's a very humble man. I mean, बहुत ही इतना down to earth हैं. लगता नहीं है कि इतने बड़े celebrity होंगे. इतना बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया. हाँ बिल्कुल, तैयारी की है. ये जो आप मेरी ड्रेस देख रहे हो, ये मैंने न्यूयॉर्क से मंगवाई है स्पेशली फॉर द फोटोशूट. ओके, तो ऐसा है. तो हाँ, तैयारी तो की है मैंने. ओके, और सबने ही की है इनफैक्ट. एंड दीज पीपल वर वर्किंग समवेयर, कभी कहीं दिल्ली में कहीं शो कर रहे हैं, तो दे केम स्पेशली टू मुंबई फॉर द शूट. या एवरीबॉडी, जैसे हम देख रहे हैं कि दिलबाग सिंह ने भी गाना गाया है, लाइक कभी आपने सोचा था उनके साथ वर्क करना या कुछ ऐसा? हाँ, मतलब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था. एक एक्टर की जिंदगी में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट आते हैं हम वही करते जाते हैं, राइट? तो बस मेरे साथ भी यही था. आई नेवर न्यू कि मैं दिलबाग सिंह के साथ ऐसा कुछ वीडियो करने वाली हूँ, बट इट्स गुड फॉर मी, गुड लक, राइट? एल्बम के बोल, भाई मेरी आवाज तो अभी बैठी हुई है तो मैं तो गा नहीं पाऊंगी, आई एम सो सॉरी. हाँ, दिलबाग सिंह जो है वो आपके लिए जरूर गा देंगे. थैंक यू. Very hot. Yeah.